नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हम गणी वड़कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जितने भी राष्ट्रवादी लोग जुड़े हैं, सभी से विनम्र निवेदन है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ शुरू करती हूँ। राहुल गांधी दौड़े दौड़े भागे भागे गए थे लंदन। लंदन से उनकी कुछ एक ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो शर्मिंदगी वाली हैं, और आई थिंक जिससे कांग्रेस में भी एक हड़कंप पहुंचने की गुंजाइश पूरी पूरी नजर आ रही है। हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हुए विनोद कुमार शुक्ला सर, सीनियर जर्नलिस्ट। और सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। इससे पहले कि सर टेक ओवर करें, मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल रहती है। कहा जाता है जब ये लंदन जाते हैं तो इनकी एक गर्लफ्रेंड है, कहा जाता है उनसे शायद शादी भी हो रखी है और बच्चे भी हैं, बट फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए या अपनी प्राइवेट लाइफ छुपाने के लिए उनको अलग रखा जाता है, और इसीलिए बार बार ये दौड़ दौड़ कर लंदन जाते हैं। एक एंगल वो भी है लंदन जाने का जी। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेन मुद्दा है, उस पर आती हूँ। सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर, देखिए गायत्री जी, मुझे लगता है कि जब दिल्ली में या भारत में चुनाव की सरगर्मी है और लोग अपने अपने एक एक सीट के लिए मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस समय अगर राहुल गांधी, मतलब जो जिसको ये मतलब अगर वो क्रेडिट नहीं भी लेना चाह रहा है तो पूरे गांधी परिवार कांग्रेस को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ वही कर रहे हैं, वो चुनाव के ठीक मौके पर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसको बड़े हाइप के साथ चलाया गया था, और ये बोला था कि उसके कहा ये जा रहा था कि शायद ये राजनीति भारत की बदल देगा और राहुल गांधी इस बार नरेंद्र मोदी को पटकनी दे देंगे। लेकिन उस यात्रा में के इतने टुकड़े हुए, मतलब वो आसाम में उसके टुकड़े हुए, उत्तर प्रदेश में टुकड़े हुए, उसके राजस्थान में टुकड़े हुए, और राजस्थान में तो उन्होंने अपनी मीटिंग 3 मिनट की और लेकिन अब वो भाग के बाहर आ गए। तो सामान्यतया ये कहा जाता है कि वो जब उनको लगता है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है या अपनी योजना में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो वो भाग करके यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, स्कीम लेते हैं, जैसे होता है ना, नोट्स प्रोवाइड होता है, तो वैसे उनकी जो उनके जो शुभचिंतक इन देशों में हैं वो उनको एक ट्यूटोरियल बनाते हैं और उसको जा करके वो भारत में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि ये 2024 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है, शायद इसके बाद पहले तो जब राहुल को लॉन्च किया जाता था तो वो जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता था, थोड़े ऑर्बिट पार करने के बाद छोड़ दिए। इस बार मुझे लग रहा है कि वो लॉन्च भी नहीं होगा, वहीं से वो फुस हो जाएगा। ये उस तरह की स्थिति 2024 के चुनाव को लेकर कम से कम कांग्रेस और राहुल गांधी की है। तो अब कोई ना कोई रास्ता तरीका है जहां निकालने की कोशिश की जाएगी, जिससे कुछ तो किया जाए, डिस्टर्बेंस किया जाए, और राहुल गांधी को लेकर के सोशल मीडिया कम से कम इतना वायरल होता है कि जब वो बाहर जाते हैं, वो एक लंबी सूची है, उसको सूची गिनाने लगेंगे तो आपका जो शेड्यूल टाइम होता है वो उसी में चला जाएगा। जब वो बाहर जाते हैं तब भारत में डिस्टरबेंस लेके आते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा बवाल करते हैं, और चुनाव के समय बवाल अगर होता है और बवाल की बदौलत चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ये मुगालता है। और ये जो भी उनके सहयोगी हैं वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे जो जानकार लोग हैं जो बताते हैं कि आजकल पूरा का पूरा जो राहुल गांधी का सलाहकार है वो लेफ्ट लोग के लोगों ने कब्जा कर रखा है, विशेष रूप से जेएनयू के। तो और वो इस तरह की एकेडमिक सलाह देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जो जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, और वो हमेशा औंधे मुंह गिरता है, और वही हो रहा है, लगातार वही राहुल के साथ हो रहा है। और अभी भी जो राहुल की यात्रा है यूके की, वो उसी दिशा में ले जा रही है जहां उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, सिवाय कुछ दिनों के डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, शायद इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि 1 हफ्ते या 10 दिन में, आज 29 फरवरी हो गई, कल मार्च है, 8 या 9 तारीख की, 10 तारीख को अनाउंसमेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये श्रुति कपिला हैं और बीच में राहुल हैं, उसके बाद सैम पित्रोदा हैं,
ये सैम पित्रोदा भी बात करते हैं। इनसे जब बात किया जाता है तो सिख मैसाकर के बारे में जब बोला जाता है तो कहा बोलते हैं, और भी बहुत सारे चीजें हैं। तो ये किस पॉलिटिकल एजेंडे से, किस पॉलिटिकल माइंडसेट से, किस पॉलिटिकल स्कीम से, किस पॉलिटिकल योजना के तहत काम करते हैं, ये सिर्फ वही बता सकते हैं या उनके सलाह बता सकते हैं। कम से कम ये जो आप पिक्चर दिखा रही हैं, इस भरोसे उनको वोट नहीं मिलने वाला है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि वो यूके के कौन से, यूके में कितने वोटर हैं कांग्रेस के, जो आम चुनाव के वक्त जब पूरा का पूरा कांग्रेस क्राइसिस से गुजर रहा हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरने के कगार पर है, उत्तर प्रदेश में ह्यूमिलिएट हुई है INDIA अलायंस लोक राज्यसभा चुनाव को लेकर के, और कर्नाटक में आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप लोकसभा में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उन परिस्थिति में आप कपिला, श्रुति कपिला जैसे व्यक्ति या सरोस के सहयोगियों से मिल करके क्या करना चाहते हैं, इसकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। जब आप भारत आइएगा तो इस तरह के प्रश्न आपसे उठेंगे, आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं से इस तरह के प्रश्न किए जाएंगे, क्योंकि आप लगातार इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं। जी जी सर, इनकी एक से एक गंदी हरकतें हमेशा सामने आती हैं। श्रुति कपिला वो महिला है जिनके बारे में आई थिंक अभी हम इलाबोरेट करेंगे, बट द फनी पार्ट इज इनका इनका एक और गंदा काम है। कैम्ब्रिज के लेक्चर का इन्होंने पूरा ड्रामा फैलाया, और कैम्ब्रिज में इनका कोई लेक्चर शेड्यूल भी नहीं है, शेड्यूल भी नहीं। तो क्या लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया गया लेक्चर, देखिए, या फिर ये अगर झूठ बोल रहे हैं? ये जो देखिए कैम्ब्रिज की वेबसाइट पर सर जाकर देखेंगे, ये जितने दिन वहां पर हैं लंदन में, तीनों दिन का अगर इनका हिसाब देखेंगे, कोई टॉक शेड्यूल नहीं है। और जो टॉक शेड्यूल है उनकी बकायदा वहां पर लिस्ट है, उनके जो स्पीकर्स हैं उनका टॉपिक क्या है और कौन स्पीकर्स हैं, पूरा शेड्यूल आउट है। राहुल गांधी का नामो निशान भी नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। तो ये इतने गंदे गंदे काम करते क्यों कि हर बार झूठ बोलना। पिछली बार अच्छा ये कभी ये नेपाल पहुंचते हैं, वहां पे सुट्टा पार्टी करते हैं, ड्रग पार्टी करते हैं या दारू पार्टी करते हैं, आई डोंट नो, बट पूरा हैप्पी नजर आ रहे थे। और इस तरीके की चीजों को ये बाद में कवर अप करने के लिए बोलते हैं कि आई वाज जस्ट हैविंग अ रिलैक्स्ड मोमेंट। अपनी फैमिली से अगर आप मिलने जा रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, इट इज ओके, लेट द वर्ल्ड नो ना, सबको जानने का अधिकार है। अब अगर मोदी जी के परिवार के बारे में आज सबको खुल्लम खुल्ला पता है, ही इज नॉट हिडन द फैक्ट दैट उन्होंने बहुत यंग एज में सेपरेट हो गए थे, तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, तो आप छुपा क्यों रहे हो? हर बार क्यों छुपकर मिलने जाते हो? आप जॉर्ज सिरोस के बंदे से मिलने के लिए जा रहे हो तो आप क्यों छुपकर मिलने जा रहे हो? आप बोलिए कि आप इंटरनेशनली एक अलायंस फॉर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, जेलेंस्की स्टाइल में चलने की कोशिश कर रहे हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक से एक, चाहे मैं बोलूं भद्दे, चाहे मैं बोलूं गंदे, चाहे मैं बोलूं साजिश, या मैं बोलूं षड्यंत्र, हर बार जब ये निकलते हैं तो एक पर्टिकुलर एजेंडे के साथ निकलते हैं हर बार। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। जी सर, कई जी श्रुति देखिए, कपिला है कौन जिनसे जिनके साथ इनकी फोटो बहुत वायरल हो चुकी है। इनफैक्ट अब खुद कांग्रेस ही परेशान हो रहे हैं कि भाई इनकी फोटो इस तरीके से निकल कर आ रही है जॉर्ज सिरोस के लोगों के साथ में, तो हमारी तो इमेज ही पूरी गड़बड़ होती जा रही है। जी मैं आपको बहुत सारे उदाहरण के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। श्रुति कपिला का जॉर्ज सोरोस कनेक्शन आप मान के चलिए। उसके बाद एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन थी जिसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली थी तो वो बेंगलोर में उन्होंने ज्वाइन किया था। और सबको मालूम है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है उसकी फंडिंग कौन करता है, स्पष्ट तौर पर जॉर्ज सोरोस करते हैं। इसके अलावा जब इसके पहले राहुल गांधी की US विजिट हुई थी तो उनका जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ, उस कार्यक्रम को जो स्पॉन्सर कर रहे थे या जो सहयोगी थे, पार्टनर थे, उनमें दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। एक का नाम था इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, दूसरा इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ। अब ये दो की दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये पाकिस्तान की डीप स्टेट हैं, डीप स्टेट के सहयोग से काम करती हैं। ये सब सबको मालूम है। ये जो इस्लामिक सेंटर ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, इसका पहला ओरिजिनल नाम था हल्का एहबान इस्लामी। ये 1968 में इसको बनाया गया था, और इसके बहुत सारे वर्कर्स ने जो
ईस्ट पाकिस्तान है भी जिसको बांग्लादेश है, वहां पर एट्रोसिटी के लिए बहुत एट्रोसिटी की थी, और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 2005 में मोदी के यूएस विजिट को स्कटल किया था, मतलब बाकायदा रुकवाया था। तो ये कोई ये सारे के सारे जो इंडिया के इंटरेस्ट में कह लीजिए बीजेपी के खिलाफ या इस सरकार रिजीम के खिलाफ काम करते हैं जाने जाते हैं। अब इनसे ऑक्सीजन कौन ड्रॉ कर रहा है? राहुल गांधी इनसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि उनको ये लगता है कि जो देश में एक नेशनलिस्ट सरकार है, जो बहुत दिनों बाद भारत को कोई एक ऐसी सरकार मिली है जो यहाँ की डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर के लिए काम कर रही है और उससे जनता संतुष्ट दिख रही है। अब मुश्किल ये है कि कांग्रेस को किसी तरह से अपने आप को फिर से वापस सत्ता में ले आना है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। अब उसके लिए अगर इस तरह के लोगों से पाकिस्तान के डीप स्टेट से भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, अब सबको मालूम है कि भारत के पूर्व विदेश मंत्री क्या बोलते हैं ये अय्यर साहब जाकर के पाकिस्तान में क्या बोलते हैं मणिशंकर अय्यर जी क्या बोलते हैं, तो पूरा का पूरा उसी में लगा हुआ है। अब आप जो बात कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज में इनकी स्पीच का कोई कार्यक्रम नहीं है, सामान्यतः ये होता है कि जो आइटनरी होती है वो आइटनरी बताई जाती है किसी भी बड़े नेता का कि हाँ ये कार्यक्रम है और वहाँ ये इस टाइम ऐसा होगा, ये इंटरेक्शन होगा, इस तरह की बात होगा, और वो गायब है। उसी समय लग गया था कि ये इस तरह का सिर्फ ये एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है, और चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इनको समर्थन नहीं मिल रहा है, किसान आंदोलन जो पीछे से बैक करती है कांग्रेस वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, किसान आंदोलन ऑलमोस्ट गायब है, कहीं से लोग न किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं ना कुछ इस तरह का है, सिवाय अब एक प्रिकॉशनरी मेजर अभी रास्ते बंद किए हुए हैं, अन्यथा मूवमेंट का कोई वो नहीं है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने भारत के खिलाफ या वो किया, इस तरह के लोगों को भड़काया, आप चाइना के साथ समझौता करते हैं, चाइनीज जो मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर्स हैं उनके साथ आप डील करते हैं, एक मेमोरेंडम आप चाइनीज प्लान्स को सपोर्ट करते हैं, आप जितने भी चाइनीज प्रोपेगेंडा हैं उसके साथ खड़े रहते हैं, तो आप क्यों इस तरह के एलिमेंट्स के साथ खड़े रहते हैं जिनका इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ क्लैश करता है? और आप इस तरह की बात कीजिएगा तो आप पर प्रश्न चिन्ह होगा। और सबको मालूम है जॉर्ज सोरोस ने खुल करके कहा है कि हम मोदी को हराने के लिए उन्होंने कॉर्पस तक दे रखा दिया है। दूसरी तरफ चाइना रिजीम चेंज की बात कर रहा है, इसलिए कि चाइना को न केवल बिजनेस घाटे हो रहे हैं बल्कि बहुत सारे और डिफेंस को लेकर के और जिस तरह से डिप्लोमेटिकली इंडिया इमर्ज कर रहा है उसमें चाइना कॉर्नर हुआ है, ग्लोबली चाइना कॉर्नर हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है उनको राहुल कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राहुल मदद करते हुए इन सारे एलिमेंट्स को दिखते हैं, तो ये लगता है कि कांग्रेस का अपना एक दूसरे तरह का एजेंडा चल रहा है जो बीजेपी को हराने से ज्यादा कई कई बार देश को हराता हुआ नजर आता है, और ये सबसे बड़ी दुख तकलीफ की बात है। जी गायत्री जी सर, इसीलिए अगर आप देखें इन्होंने सोशल मीडिया में इन्होंने क्या किया, अपने जो ट्विटर हैंडल्स थे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे उनके थ्रू उन्होंने ये लाइन तो ये सबसे पॉपुलराइज करवा दिया कि ये लंदन जा रहे हैं कैम्ब्रिज में लेक्चर के लिए, और बाकायदा ट्विटर हैंडल्स यूज किए गए हैं, बाकायदा इनका यूट्यूब जो इनके सपोर्टर्स है वो यूज किया गया है, बाकायदा इनके जो फेसबुक फॉलोअर्स इंस्टाग्राम उनके थ्रू वो ये चीज वायरल कराई गई है। बट कांग्रेस का जो मेन हैंडल है, जो कांग्रेस की मेन वेबसाइट है, वहां पर ना कोई कांग्रेस, देयर इज नो पोस्ट ओवरसीज कांग्रेस या फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई पोस्ट नहीं है।
कोई न्यूज में कवरेज नहीं है, कोई प्रोग्राम्स नहीं है, इसका मतलब सीधे सीधे जॉर्ज सोरोस से मिलने गए या फिर उनके और लघु भागों से मिलने गए। देखिए जी सर, इसको इसको ऐसे समझिए, सोशल मीडिया, चूंकि हम सारे लोग अब इस न्यू मीडियम से धीरे धीरे परिचित हो रहे हैं, आप तो सोशल मीडिया जॉइंट हो, आपको समझाने कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ट्रेडिशनल मीडिया वाला आदमी हूँ, मैंने अखबार में काम किया है, टीवी में से भी नहीं है, टीवी डिबेट्स का हिस्सा जरूर रहता हूँ, लेकिन मैं ट्रेडिशनल मीडिया वाला आदमी हूँ, जो जिसको कभी कभी मेन स्ट्रीम मीडिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप उसको स्वीकारिए या मत स्वीकार कीजिए, जिसको ईगो प्रॉब्लम है नहीं स्वीकार करें, लेकिन ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया है और बेहतर मीडियम है, बेहतर मीडियम है पूरी स्वतंत्रता के साथ। मैं अब इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए ये जो सोशल मीडिया है इसमें जो एक ऑफिशियल हैंडल्स होते हैं उसके अलावा अगर आप इनको देखिए तो इनके बहुत सारे हब्स जो होते हैं, जैसे विशेष रूप से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कांग्रेस एक इंस्टीट्यूशन है, बीजेपी एक इंस्टीट्यूशन है, इनका बीजेपी का ओवरसीज वो है, कांग्रेस का भी ओवरसीज है, बाकी सबका भी, तो और उसी तरह से इनके फॉलोअर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा वो करते हैं, और ये सारे के सारे हैंडलर्स जो जिन्होंने इनको वायरल किया है उसमें आधे से ज्यादा यूएस या अमेरिका में होंगे, ये बाकायदा उस पर काम करते हैं। आम आदमी पार्टी का नेटवर्क इस मामले में और स्ट्रांग है, उनके जो बाहर से काम करने वाले लोग, तो ये उसी योजना के तहत जब जिन चीजों की मैंने बात की, जब इनको लगा कि किसान आंदोलन फ्लॉप हो गया, भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप हो गई, और उम्मीद के खिलाफ इनको जो सपोर्ट बेस था, जो लग रहा था कि हम बहुत सारे लोगों को जोड़ ले पाएंगे और एक इस तरह की स्थिति क्रिएट होगी कि कम से कम पहले से बेहतर कर पाए, 19 से बेहतर कर पाए, जब उनको वैसी स्थिति नहीं दिखी तब इनके पास चारा क्या है, इनके पास चारा यह था कि फिर क्योस के लिए बाहर जाओ, जैसे इसके पहले क्योस में सीए पर क्योस हुआ था, किसान आंदोलन पर क्योस हुआ था, कैनेडा से सपोर्ट आ रहा था, लंगर चला ये जा रहे थे, लोग खबरें आ रही थी, कोई व्यक्ति अपना फ्लैट बेच के लंगर चला रहा है, ठीक है, उसी तरह से सीए के बाद फिर जो रॉयट्स हुए उनकी भी फंडिंग उसी तरह, सबको पता लगा कि कहाँ कहाँ से कनेक्शन था, तो ये एक तो उसी तरह का कुछ ऐसा क्योस फैलाने के लिए ये बाहर ट्यूटोरियल लेने गए हैं, और ये आने के बाद पता लगेगा, और ये सब जानते हैं कि राहुल गांधी जब भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ क्योस भारत में जरूर होता है, और चुनाव से पहले का क्योस खतरनाक हो सकता है, इसलिए कि सब लोग मेंटली तैयार होते हैं, थोड़ा सा इमोशनली सरचार्ज भी होते हैं कि भाई एक नई सरकार लेके आनी है, उन परिस्थिति में अगर एनार्की होगी समाज में तो वो गड़बड़ होगा। हालांकि मैं पहले से कह रहा हूं कि 9 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन के जिम्मे सारा कुछ हो जाएगा, तो वैसे ही जैसे इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा सरकार की जवाबदेही उतनी नहीं रह जाती है, तो ये जिस भी व्यक्ति ने आइडिया दिया है वो, मतलब अगर मैं क्रूड सेंस में कहूँ तो निहायत ही मूर्ख आदमी है, एकेडमिकली उसके पास चाहे जितनी डिग्री हो, एकेडमिकली वो चाहे जहां से जिस कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से और जहां से भी पढ़ के आया हो, उसको भारत के पॉलिटिक्स की, भारत के नर्व्स जो वो है, यहाँ के राजनीति समझ की का कोई आइडिया नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है कि भारत में राजनीति कैसी होती है, ये बूमरैंग करेगा, और मैं बहुत बार कह चुका हूं कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस अपने लोवेस्ट नंबर पर जाए लोकसभा में, जिस तरह से कांग्रेस राजनीति कर रही है। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू, सॉरी एक क्वेश्चन है, ये है नीला मोहन जी का है, इनको मैं करेक्ट करना चाहूँ, नीरा मलहन का है, नताशा कॉल वाला जो उन्होंने सर वॉटिन में इकोनॉमिक फोरम का मीट होना था, इंडिया इकोनॉमिक फोरम की मीट थी, दैट वाज इन ईयर 2013, लास्ट ईयर का नहीं है, ये मैंने अपने वीडियो में कवर किया, जो मैंने नताशा कॉल के ऊपर किया था, इट इज नॉट नताशा कॉल, इट इज नताशा कॉल, प्लीज आप वहां पर जाकर जरूर देखिएगा, परसों मॉर्निंग का वीडियो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और प्लीज आज एक वीडियो बिल गेट्स का है, आई हैव रियली डन लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू
गो एंड वॉच दैट वीडियो. बिल गेट्स इज इन इंडिया, इसका किसान मूवमेंट के साथ में या फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ में क्या कनेक्शन है, आई हैव कवर्ड दैट इन डिटेल. द थिंग्स आर मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस दैट मी देन वी कैन इमेजिन. तो प्लीज वो वीडियो भी जरूर देखिएगा. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.